भारत के साथ ही पूरी दुनिया के लिए गौरव की बात है कि एक भारतीय मूल की महिला एक या दो नहीं तीन तीन बार अंतरिक्ष यात्रा पर है। ऐसा करने वाली पहली महिला बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। इतना ही नहीं, बोइंग के CST-100 स्टारलाइनर अंतरिक्षयान में अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए उड़ान भरने वाली वह पहली महिला सदस्य बन गई। नमस्कार, जनता दरबार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। हम बात कर रहे हैं सुनीता माइकल जे विलियम्स की। उनका जन्म 19 सितंबर 1965 में अमेरिका के ओहियो राज्य के यूक्लिड नगर में हुआ है। उनके पिता का नाम डॉक्टर दीपक एन पांड्या और माता का नाम बानी जालोकर पांड्या है। सुनीता का विवाह माइकल जे विलियम से हुआ है। ये नौसेना पोत चालक, हेलीकॉप्टर पायलट, परीक्षण पायलट, पेशेवर नौसैनिक और गोताखोर भी है। उनका एक बड़ा भाई जय थॉमस पांड्या और एक बड़ी बहन डायना एन पांड्या है। सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। वह भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखती है। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान भी स्थापित किया है। उनके पिता डॉक्टर दीपक एन पांड्या अमेरिका में एक जाने माने तंत्रिका विज्ञानी है, जिनका संबंध भारत के गुजरात राज्य से है। सुनीता विलियम्स के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो मैसाचुसेट्स से उन्होंने हाई स्कूल पास की। इसके बाद 1987 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की नौसैनिकी अकादमी से फिजिकल साइंस में BSc की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1995 में उन्होंने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में MS की उपाधि हासिल की। जब सुनीता एक वर्ष से भी कम उम्र की थी, तभी उनके पिता डॉक्टर दीपक 1958 में भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर से अमेरिका के बोस्टन में आकर बस गए थे। हालांकि बच्चे अपने दादा दादी, ढेर सारे चाचा चाची और चचेरे भाई बहनों को छोड़कर ज्यादा खुश नहीं थे, लेकिन परिवार ने पिता दीपक को उनके चिकित्सा पेशे में प्रोत्साहित किया। ऐसा बताया जाता है कि सुनीता हिंदू भगवान गणेश को बहुत मानती है और जब वे अंतरिक्ष गई थी तो अपने साथ हिंदू धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता भी ले गई थी। इसके साथ ही सुनीता सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट की सदस्य भी है। सितंबर 2007 में विलियम भारत आई थी। भारत में वह गुजरात के साबरमती आश्रम भी गई और अपने गांव जुलसान भी गई। वहां गुजरात सोसाइटी ने उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्व प्रतिभा अवार्ड से सम्मानित किया और वह पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने विदेश में रहते हुए एक पुरस्कार को हासिल किया। 4 अक्टूबर 2007 को विलियम ने अमेरिकी एम्बेसी स्कूल में भाषण दिया और वहीं उनकी मुलाकात भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से हुई। सन 1987 में सुनीता विलियम्स को अमेरिका सेना में कमीशन प्राप्त हुआ। लगभग 6 महीने की अस्थायी नियुक्ति के बाद उन्हें बेसिक ड्राइविंग ऑफिसर का पद दिया गया। सन 1989 में उन्हें नेवल एयर ट्रेनिंग कमांड भेज दिया गया, जहां नेवल एविएटर नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर कॉम्बैट सपोर्ट स्क्वाड्रन में ट्रेनिंग ली और कई विदेशी स्थानों पर तैनात हुई। भूमध्य सागर, रेड सी और पर्शियन गल्फ में उन्होंने ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड और ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट के दौरान कार्य किया। सितंबर 1992 में उन्हें H-46 टुकड़ी का ऑफिसर इंचार्ज बनाकर फ्लोरिडा के मियामी शहर भेजा गया। इस टुकड़ी को हरिकेन एंड्रो से संबंधित राहत कार्य के लिए भेजा गया था। सन 1993 के जनवरी महीने में सुनीता ने US नेवल टेस्ट पायलट स्कूल में अभ्यास प्रारंभ किया और दिसंबर माह में कोर्स पूरा कर लिया। दिसंबर 1995 में उन्हें US नेवल टेस्ट पायलट स्कूल में रोटरी विंग डिपार्टमेंट में प्रशिक्षक और स्कूल के सुरक्षा अधिकारी के तौर पर भेजा गया। वहां उन्होंने UH-60, OH-6 और OH-58 जैसे हेलीकॉप्टर्स को उड़ाया। इसके बाद उन्हें USS सैपान पर वायुयान संचालक और असिस्टेंट एयरबोस के तौर पर भेजा गया। सन 1998 में जब सुनीता का चयन नासा के लिए हुआ, तब वे USS सैपान पर ही कार्यरत थी। और अब बात करें सुनीता विलियम्स के नासा कैरियर की, तो जून 1998 में उनका नासा में चयन हुआ। इसके बाद अगस्त 1998 से नासा के जॉनसन अंतरिक्ष केंद्र में उनका प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया।
विभिन्न प्रकार की तकनीकी जानकारी एवं टूर्स, अनेक वैज्ञानिक और तकनीकी तंत्रों की ब्रीफिंग, स्पेशल शटल और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की जानकारी, मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग और T-38 वायुयान के द्वारा ट्रेनिंग, इसके अलावा उनकी पानी के अंदर और एकांतवास परिस्थितियों में भी ट्रेनिंग हुई। अपने प्रशिक्षण के दौरान सुनीता विलियम ने रूसी अंतरिक्ष संस्थान में भी कार्य किया। इस प्रशिक्षण में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के रूसी भाग की जानकारी दी गई। अंतरिक्ष स्टेशन के रोबोटिक तंत्र के ऊपर भी विलियम्स को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान वे मई 2002 में पानी के अंदर एक्वेरियस हैबिटेट के 9 दिन गुजारे। वहीं सुनीता विलियम्स 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा भी कर चुकी है। दोनों बार वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अल्फा में गई। वर्ष 1998 से अंतरिक्ष में एक विशालकाय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका नाम स्टेशन अल्फा है, जो 16 देशों की संयुक्त परियोजना है। इस स्टेशन का निर्माण कार्य समाप्त होने वाला है। इसमें अनेक प्रयोगशालाएं, आवासीय सुविधाएं, रोबोटिक भुजा और उड़नशील प्लेटफॉर्म एवं जुड़ने वाले नोड लगे हैं। पूरा स्टेशन लगभग एक फुटबॉल मैदान क्षेत्र में फैला हुआ है। स्पेस वॉक का अर्थ है अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान, जिसके अंदर का पर्यावरण मानव के लिए पृथ्वी जैसा होता है, से बाहर निकलकर मुक्त अंतरिक्ष, जहां का पर्यावरण मानव के लिए खतरनाक होता है, वह निर्वात होता है, विकिरणों से भरा होता है और उल्काओं का खतरा होता है, में आकर विभिन्न प्रकार के रिपेयर, असेंबली और डिप्लॉयमेंट के कार्यों को करने को स्पेस वॉक कहते हैं। सुनीता विलियम्स की प्रथम अंतरिक्ष उड़ान 9 दिसंबर 2006 को स्पेस शटल डिस्कवरी के द्वारा प्रारंभ हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में कुल 321 दिन 17 घंटे 15 मिनट का समय बिताया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमांडर बनने वाली वे विश्व की द्वितीय महिला है। सुनीता विलियम्स ने 15 अगस्त 2012 को भारत के 66वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा झंडा अंतरिक्ष में फहराया था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहली बार तिरंगा अंतरिक्ष में फहराया गया था। सुनीता विलियम्स को भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुनीता ने सितंबर 2007 में भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्हें विश्व गुजराती समाज के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्व प्रतिमा अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुनीता ने अभी तक कुल 30 अलग अलग अंतरिक्ष यानों में करीब 2,770 उड़ानें भरी है। वह अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने के बाद एक्सपेडिशन 33 की कमांडर बन जाएंगी। सुनीता के पिता गुजरात राज्य से ताल्लुक रखते हैं। वर्ष 1998 में नासा ने सुनीता को अंतरिक्ष यात्री के तौर पर चुना था। उन्होंने एक्सपेडिशन 14 की सदस्य के तौर पर ISS भेजा गया और उन्होंने एक्सपेडिशन 15 में भाग लिया था। सर्वाधिक लंबी यानी 195 दिन की अंतरिक्ष यात्रा करने वाली महिला का रिकॉर्ड सुनीता के नाम है। उन्होंने वर्ष 2006 में 6 महीने तक ISS में रहकर काम किया था। सुनीता ने साल 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर की डिग्री ली थी। अंतरिक्ष में सुनीता और उनके टीम सहयोगियों की योजना लंदन में होने जा रहे समर ओलंपिक के मौके पर ऑर्बिट में एक खेल आयोजन करने की है। सुनीता ने अपने संदेश में कहा कि मैं अंतरिक्ष में ही भारत की आजादी का जश्न मना रही हूँ। सुनीता रूस की यूरी मोलनचेंको और जापान के अकिहिदो होशिदे के साथ 15 जुलाई को बैकानूर प्रक्षेपण स्थल से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुई थी। गौरतलब है कि नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता रूस के सोयूज के कमांडर यूरी मोलनचेंको और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के फ्लाइट इंजीनियर अकिहिदो होशिदे 2 दिन तक अंतरिक्ष की कक्षा में रहने के बाद 17 जुलाई मंगलवार को ISS पहुंची थी। स्पेस वॉक पर जाने के लिए अंतरिक्ष यात्री एक विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं, जिसमें उनका जीवन रक्षा तंत्र और अन्य सुविधाएं लगी रहती है। अपने अंतरिक्ष प्रवास के दौरान सुनीता ने अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर अनेक परीक्षण किए। वे वहां पर लगी ट्रेडमिल में नियमित व्यायाम करती थी। उसी प्रवास के दौरान 16 अप्रैल 2007 को विलियम्स ने अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया और उन्होंने 4 घंटे 24 मिनट में पूरा किया। उसी मैराथन दौड़ में सुनीता की बहन डियाना ने भी भाग लिया था।
अपनी प्रथम उड़ान के सभी कार्य पूरा करने के बाद वे 22 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस के द्वारा पृथ्वी पर वापस आ गई। 58 साल की सुनीता विलियम्स और 61 साल के ब्रूस विलमोर करीब 2 महीने से धरती से काफी ऊपर तैर रहे हैं। ये दोनों अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री इसी साल 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए परीक्षण मिशन पर रवाना हुए थे। उस वक्त उन्हें उम्मीद थी कि वो कुछ ही दिनों में घर वापस लौट जाएंगे, लेकिन यह यात्रा उनकी योजना के मुताबिक नहीं रही। यह जोड़ी फिलहाल वहाँ अनिश्चित काल के लिए फंस गई है। अब शायद उन्हें गर्मियों की छुट्टियां भी वहीं बितानी पड़ेगी। यह भी संभव है कि उन्हें क्रिसमस और नया साल भी अंतरिक्ष में ही बिताना पड़ सकता है।